हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग व्लॉग नहीं शूट कर रहे हैं, आज हम लोग Q&A पार्ट 4 शूट करने जा रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी Q&A के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन तो नहीं उठा पाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट उसमें से जो मेन क्वेश्चन थे जो हमें ठीक लगे वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं और हम लोग उसका रिप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा उधर हो पहले, ठीक है, और उधर हो जाओ, कैमरा से बाहर हो जाती हूँ मैं, ठीक है ना। चल, आप मेरे नए हेयर स्टाइल पे कुछ अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। वैसे नया नहीं है ये, मैं कैप लगा लूँ क्या यार, मेरे बाल सही नहीं हो रहे। आपकी मर्जी है, लगाना चाहो लगा लो। चल पहला क्वेश्चन देख के आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है चलो, दादा भाई यशिका जी से, दिन में कितनी बार मार खाते हो आप? तो मैं आपको देखो सच्चाई बताना चाहती हूँ आज, जो मेरे दिल में काफ़ी डेढ़ दो साल से अंदर दफन थी, वो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मैं यीशु से दिन में बहुत मार खाती हूँ। सच में बहुत मेरे को परेशान करती है ये, तो खूब शर्म आती है आपको ऐसे बोलती यार। तो तू करती है ऐसे, मारती रहती है जब देखो, जब ऐसे इधर आना ऐसे ऐसे करके, तो बंदा कभी कभी इरिटेट हो जाता है ना ऐसे, तो तब मतलब ऐसे वाला मारती है, वैसे असली वाला नहीं मारती, ऐसे वाला मारती है। गुड, अच्छा कवर अप था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे जरूरी बात क्या है, ये जानना है आपसे। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी आप अपने एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चला पाओगे। अदरवाइज आप हर एक चीज़ पे लड़ाई कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करो आप चीज़ों को, एक दूसरे को समझो। आप दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ और कौन सी प्लेस में मिले? तो गाइज, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, जो हमारा फर्स्ट ऑफिशियली मीटिंग थी वो हुई थी हरिद्वार में, जो इनका होम टाउन है, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। और क्या पूछा? 9th of November को। फर्स्ट टाइम कहाँ और कौन सी प्लेस में मिले? हाँ, तो कहाँ? हरिद्वार में मिले थे। और कौन सी प्लेस में? एक ही बात हो गई कहाँ और कौन सी प्लेस में। तो गाइस, आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब कितने दिनों से यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हो? तो गाइस, जो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग डाला था यूट्यूब पे, वो मैंने डाला था 21st को, तो शूट किया था। आई थिंक उसके दो तीन बाद और दो तीन दिन बाद मतलब आप वही लेके चलो कि 21st of July का बर्थडे ब्लॉग था 2020। हाँ, तो वही था। तो मतलब मेरे को यूट्यूब में ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, लेकिन उसके बीच में काफी सारा गैप भी आ गया था, 8-9 महीने का। तो अगर मैं प्रॉपर मान के चलूँ, जो मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट की है उसको स्टार्ट किए मुझे 5 या 6 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए होंगे आपने दोबारा जो स्टार्ट किया है। आप तक तो बहुत जॉब ही कर रहे थे, तब आपने कहाँ शूट किया? फिर मार्च के बाद, मार्च से आपने शूट करना शुरू किया? मार्च से भी नहीं, ले अप्रैल से, जब मेरा प्रमोशन आया था तो अप्रैल से इन्होंने प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट की है दोबारा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ जा रहे हो? ये क्वेश्चन काफी बार मतलब काफी ज्यादा पूछा गया था कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो देखो यार, अगर अब आपको बता देंगे तो एक्साइटमेंट सारा खत्म हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और, 21 दिन बाकी रह गए हैं गाइस, सिर्फ 21 की 20 है ना, आज 13 है ना, तो मतलब 2nd of October को हमारी फ्लाइट है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो अब आप लगा लो कितने दिन बाकी रह गए हैं। और हम कहाँ पे जा रहे हैं, चलो मैं आपको एक क्लू देती हूँ इसका। क्लू ही देना बस, वो भी हल्का हल्का वाला क्लू। क्या दूसरे तो बिल्कुल पता चल जाएगा मुझे, क्या बता आपने, मैं क्लू देती हूँ, मैं तो नहीं देने वाली थी कोई क्लू। मतलब वहां पे जाने का ना हर किसी का सपना होता है कि जो मतलब यार बिल्कुल मतलब बोलोगे तो पता चल ही जाएगा आपको। चलो कोई नहीं, बता देती हूँ। वहाँ पे वो लोग जाते हैं जो मतलब इसी लाइन से होते हैं, मीडिया लाइन से, उनका ड्रीम होता है कि हम एक बार वहाँ पे जाएं। तो आप समझ लो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको डिस्क्लोज कर दिया है, अब आप लोग कमेंट में करके बताना कि वो क्या, कौन सी जगह हो सकती है। Yes.
अच्छा अब आता है, क्या इस रिलेशन में भी फिजिकल होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन ऐसे, मतलब आपको ये चीजें पता नहीं है इसलिए आपने पूछा या जान के पूछा, बट कोई बात नहीं. आई एम अ वेरी गुड गर्ल, मैं बहुत अच्छे से आंसर देती हूँ हर बात का. इस रिलेशन का क्या मतलब है? इस रिलेशन में भी, रिलेशन कोई भी हो, स्ट्रेट कपल हो, LGBTQ हो, कोई भी रिलेशन हो, जानवरों का भी, जानवरों का भी, एनिमल्स भी फिजिकल तो होते ही है. कैसी बातें कर रहे हो? जब आप प्यार में हो तो ऑब्वियसली बात है कि फिजिकल रिलेशन भी आपका होता है. इससे ज्यादा नहीं होता अम्मी बेटा. स्मार्ट बनोगे, टाइमिंग मारोगे, नहीं बताऊंगी. मैं तो गर्दन कैसे दिया जैसे वो नहीं होता कोई. तो यस डेफिनेटली फिजिकल रिलेशन होता है. जान बस करो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम दोनों का बॉडी पर कितने टैटू? चलो आज फाइनली बता ही देते हैं. बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अपने टैटू पे वीडियो बनाओ, टैटू पे वीडियो बनाओ. तो टैटू पे अगर नॉर्मली वीडियो बनाएंगे तो वो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो पाएगा. तो चलो हम इसमें बता देते हैं. देखो सबसे पहले मेरा टैटू ये है, इस पे लिखा है इंसेनिटी. ठीक है, इसका मतलब होता है पागलपन, जुनून. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, ये मेरी एक्स का नाम है, बता ही देती हूँ. चलो कुछ नहीं होता, दिखाऊं कैसे यार. ये देखो इस पे लिखा है, ये मेरी एक्स का नाम है, नाम नहीं बताऊंगी. और गाना बाबू मेरे टैटू. हाँ, एक टैटू मेरे इधर है कर्मा, जो लिखा है यहाँ पे कर्मा. ठीक है, और एक टैटू मेरी बैक पे. बाबू रुक जाना, मैं दिखा रहा हूँ ना, देख तू बता रही है कि नहीं. आ गया शाइन, यहाँ पे लिखा है शाइन, जो कि इसके नाम का मतलब है. एक मतलब अगर आप बहुत सारे मतलब जैसे ज्योति, ज्योति से मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वह ज्योति दत्त है. हाँ, तो इसीलिए इन्होंने उसी का, ज्योति का एक अलग से एक मीनिंग था जो वो निकाला, तो उसमें शाइन था, शाइन था, शाइन लिखा है. हाँ, पे बस हालांकि मुझे वो टैटू है. हाँ, और एक ये है, इस पे लिखा है माय स्टोरी इजंट ओवर येट, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आपकी कहानी तो अभी शुरू हुई है. हाँ ठीक है, अब यशु तुम बताओ तुम्हारे पास कितने टैटू है. गाइस देख लो, ये सबको बताती है कि ये ब्रावो लिखा है, बट ये ब्रावो नहीं है. मैं बोला तो ये भावु लिखा हुआ है इसके. yes. एक्स का नाम. और ये कोई प्यार में नहीं था, ये गुस्से में था, वो शायद देखेगी भी. और यहाँ पे लिखा है डैड इज लिटिल गर्ल, और ये तो पता ही नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता. एक्चुअली खराब हो गया था, इसका खराब हो गया था, तो मैं उसको सही नहीं कर रहा हूँ. एक टैटू इसके बैक पे जो दिखा नहीं सकते, और एक टैटू बैक वाला तो हमने देख लिया होगा व्लॉग में, और एक टैटू इसके फ्रंट पे वो भी नहीं दिखा सकते. चलो छोड़ो, और कोई टैटू है तेरे पास? यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है ना. हाँ सॉरी, यहाँ पर भी है बाबू. यहाँ पे दो कैसे हैं? वहाँ पे बाबू नीचे रोज है, ऊपर बटरफ्लाई है. तो वो है तो एक ही ना टैटू? दो टैटू है, वो अलग अलग टैटू है. पूरा रोज अलग बनवाया था, ऊपर से बटरफ्लाई अलग बनवाया था. और यहाँ पे इसने मेरा नाम लिखवाया हुआ पायल. ठीक है, तो आज टैटू की कहानी खत्म हो गई. यस, और लोग ये भी पूछे थे किस लिए बनवाया, क्यों बनवाया. तो जो एक्सेस के नाम है वो तो आपको पता चल ही गए होंगे. मेरा भी जो एक्स का नाम था वो भी खराब हो गया था, मतलब इसमें से इंक निकल गई थी सारी, मतलब टैटू ही खराब हो गया था. मैंने बात प्यार में बनवाया नहीं था, बाकी जो टैटू है वो हमने ऐसे बनवा लिए थे. ये मेरा फर्स्ट टैटू था, मेरा ये था फर्स्ट. ठीक है, और ये कर्मा में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करने लगी थी, क्योंकि कर्मा कुछ ही सालों से वाली यू नो इनके साथ चीजें हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये टैटू बनवाया था. और हम अभी एक और टैटू बनवाने वाले हैं, माय स्टोरी इजंट ओवर येट. ये मेरे को थोड़ा सा मतलब एक यूनिक सेंटेंस लगा था, तो ये मैंने लिखवा लिया. अभी बता दो, एक नया टैटू बनवाने वाले. हाँ, अभी हम लोग एक नया टैटू बनवाने वाले हैं, उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा गाइस. यस, सो लेट्स सी. आप लोग बता सकते हो कमेंट में कि क्या बनवाया. मैंने तो पूछा था, नहीं बताया किसी ने. बहुत गंदे हैं, लाओ मेरे को. मैं पढ़ूंगा. एक ने, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लेस्बियन है, प्लीज हेल्प मी. अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन ये था आई थिंक कि मैं एक प्यार करती हूँ और वो भी मुझे उसी नजरों से देखती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लेस्बियन है. देखो गाइस, मैं आपको बताती हूँ, जब ऐसा होता है ना तो अपने अंदर से ना फीलिंग आ जाती है, मतलब उसको बोलते हैं गेडर करके एक चीज होती है, वो मतलब तुम्हें अंदर से पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला बंदा भी हमें इंटरेस्ट रख रहा है. ठीक है, जैसे यार नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, आपको ऐसे क्यों लगता है कि लेस्बियन रिलेशनशिप में एक अलग से हमें पता चलता है? कुछ नहीं होता ऐसे. जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में हमें पता चलता है कि भाई सामने वाला हमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है, हमें उसे भाव देना है कि नहीं देना, तो ऐसे इसमें ही पता चल जाता है कि वो सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है. वो यार आपको खुद समझना है कि कैसे है वो, उसमें हम
कैसे आपको खुद ही फील आएगा उसमें, आपको कोई अलग से आएगा नहीं ये बताने की, देख तेरे को उसने फील। और ज्यादा ही जानना हो ना, मैं आपको बताती हूँ आइडिया, यूट्यूब खोलो है ना, उसमें कोई भी एक लेस्बियन की स्टोरी निकालो, हमारे ब्लॉग्स निकाल लो, उसको दिखाओ कि देखो ये ऐसे कपल है, अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो हो सकता है 1% चांस है, कितनी समझदार है ये, 1% चांस है कि हाँ हो सकता है। उसमें दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो दूसरे तरीके से पसंद करेगी स्ट्रेट होके कि हाँ भाई ऐसा है, ये हमारी मशीन है ना थोड़ी खराब है कपड़े धोने वाली, सब कुछ खराब है, उसमें आवाज आती है कभी कभी, तो एडजस्ट कर, कभी कभी ठीक है, कभी कभी नहीं, मतलब जब कपड़े बिल्कुल सूखने के टाइम पर ना तो घूमते तो वो धुंधर 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 ऐसे बसती है वो। हाँ तो मैं कहाँ पे थी, यहीं पे थे आप, ये हमारा ब्लॉग दिखाया, हाँ हमारा ब्लॉग दिखाया, वो दो रीजन से देखेगी, या तो उसे मतलब नॉर्मली स्ट्रेट होके अच्छा लगेगा, या फिर वो बोलेगी अच्छा यार इतने अच्छे कपल है ये है वो है, तो मतलब वो जो बातें बोलेगी उससे आपको समझ आ जाएगा। आप थोड़ा लेख आ रहे हो, ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यशु का कोई बॉय बेस्ट फ्रेंड हो और आधा क्वेश्चन, और वो उससे बहुत फ्रैंक हो तो पायल आप जेलस हो गए या पायल का दोस्त हो, पहले तो बता। मैं हमारे दोस्त ही नहीं है गाइस, मैं जेलस नहीं होंगी, लेकिन अगर मुझे उस बंदे की साइड से कोई चीजें लगेगी तो मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि इनको देख के बहुत सारे लड़कों का मैंने देखा है, मतलब रिएक्शन लड़कों का, इनका क्या? नहीं मतलब वो ज्यादा ही ऐसे कुछ इन्वॉल्व होने लग जाते हैं आपके साथ ना, मतलब ज्यादा बात इनकी तरफ से रहता है कि दोस्त है, इनको लगता है कि नहीं लड़का है दोस्त है, बट हो सकता है कि सामने वाले की नजरों में ये लड़की है। सीधा बैठना, मेरा ऊपर क्यों गिरी जा रही है, ब्लॉक से बाहर नहीं जाना है, ब्लॉक से बाहर तो ऐसे बैठ जा, लेकिन मैं इधर हो जाती हूँ, थोड़ा सा इधर हो जाए, ब्लॉक से बाहर नहीं जाना, इधर हो जाए, ठीक है। हाँ जी बात तो हाँ, तो ये चीजें हो सकती हैं, तो ऐसे मेरा जेलस वेलस वाला कोई सीन नहीं है। अरे यार मैं आपको बता दूं, हम लोग कोई जेलस नहीं होते, पहली बात तो हमारे यहाँ पे दोस्त नहीं है, ठीक है ही नहीं, और होते भी हैं तो हम, क्योंकि मेरे सारे दोस्त यहाँ पे रहते नहीं, वो सब राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पे है ही नहीं कोई भी, और होते भी तो हम लोग बताया कि अगर मेरा कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड लड़का होता, मैंने बताया तो नहीं होती, क्योंकि यार देखो ट्रस्ट वाली बात होती है, ठीक है अपने को बोल, हमारा तो इतना ज्यादा बंदा वाला ट्रस्ट है ना, जान चाह के भी नहीं चुप करती मेरे ऊपर ये ना, मैं इसके ऊपर कल बल्कि मैं कोशिश कल परसों हम लोग जा रहे थे जब इसके हेयर वॉश कराने के लिए, तब बल्कि मैं ये बोल रही थी इसको कि ना मतलब वो देखो ऑडी में एक लड़का जा रहा है तो लाइन मार लो उस पे। और कल मैंने इनको ब्रो हाउस में बोला, मैंने कहा देखो देखो सही है लड़की सही लग रही है, मैंने कहा काट लो इसको, अपने यार अलग ही है, आप लोग समझ सकते हो ना, अलग ही है, हम ऐसे वैसे सपोर्ट नहीं करते। अपने रिलेशनशिप को सबके सामने कैसे रखें और कैसे सबको मनाएं ये जानना है। रिलेशनशिप को सबके सामने, पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप रखना क्यों चाहते हो सबके सामने, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है, मैं 5 मिनट बोलूँ प्लीज बाबू ज्यादा हो जाएगा, शॉर्ट में बोलते हैं। ओके पहली बात तो वैसे डिपेंड करता है कि आप रिलेशन सबके सामने रखना क्यों चाहते हो, उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप अपने घर वालों को बनाना चाहते हो अपने रिलेशन के लिए, या फिर आपको अंदर से चूल्हा कि नहीं मुझे बताना है कि मैं ये हूँ, ठीक है वो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने अंदर से खुद एक्सेप्ट किया हो, खुद को आपको लगता है कि ये लोग पहले मुझे एक्सेप्ट कर लें, अगर आपका मानना है कि भाई घर वाले एक्सेप्ट करें और हमें ऐसे साथ में रहना है प्यार से जिंदगी काटेंगे, तो फिर मेरा वही जवाब आएगा। मैं इसका शॉर्ट में आंसर देना चाहती हूँ गाइस, बिल्कुल जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको यही दिमाग में आता रहेगा कि हम सामने वाले के सामने अपना रिलेशन कैसे रखें। जब एक बार आपको फर्क पड़ना बंद पड़ जाएगा ना कि मतलब हम लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया बस काफी है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले के सामने, मतलब सामने वाले जो भी बंदे हैं आपके उनके सामने हमें अपना रिलेशनशिप का जो भी है वो रखना है कि नहीं रखना है। और कैसे रही बात हमारे सोशल होने की, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि हमें दुनिया को दिखाना है कि हम ऐसे हैं वैसे, नहीं मेरा ना शुरू से ही इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ब्लॉगिंग में मीडिया में लेके मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से ही, तो वो जैसे एक मेरे को मेरे जितने भी इंस्टा फैमिली के लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो मेरे दिमाग में एकदम से हिट हुआ कि यार ठीक है ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो वहां से हमारा एकदम से स्टार्ट हो गया। वो हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि हमें दुनिया को दिखाना है कि ऐसा करना है, नहीं बस ये मोटिव जरूर था कि अब जब स्टार्ट कर ही दिया है तो उससे एक अच्छा मैसेज जितना हम ट्राई कर सकते हैं उतना लोगों तक पहुंचे वो चीज, स्पेशली इस कम्युनिटी के लिए, हाँ क्योंकि बहुत लोग अभी सामने आए हैं और ऐसा हुआ भी है हमारी वजह से, बहुत लोग सामने भी आए हैं और बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टेप भी लिए जो हमने भी नहीं लिए अभी तक, मेरे दुख दिल पे हाथ मत रखा करो आप, कोई बात नहीं गाइस, होप फॉर द बेस्ट, चलो
मैंने इसका क्वेश्चन दो एक मिनट में सलटा दिया जो ये 5 मिनट लेने वाली थी। मैं अच्छे से बताती ना, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपने अच्छा बताया, मुझसे भी अच्छा बताया आपने। गुड। यशु की पिक जो आपकी फेवरेट हो और एक आपकी जो यशु की फेवरेट हो, शो दैट पिक इन योर नेक्स्ट वीडियो। हम दोनों की एक ही बहुत अच्छी पिक फेवरेट है जो आपको यहीं कहीं यू नो दिख जाएगी अभी। ये वाली पिक हमारी फेवरेट है तो आप देख लेना, ठीक है। आप यशु को कितना प्यार करते हो, लव करते हो? मैं यशु को बहुत सारा प्यार करता हूँ, बहुत सारा। मतलब ये समझ लो कि इससे पहले मेरे को कभी भी ना ऐसी वाली सीरियसनेस नहीं आई थी कि पूरी जिंदगी काटनी है किसी के साथ। उससे पहले कोई 65 किलो की मिली नहीं थी ना। हाँ, अभी इतने भारी आके मेरे ऊपर बैठ गई है ना कि इसको मैं चाह के भी नहीं हटा सकती गाइज, तो आप समझ ही सकते हो। अगर LGBT कम्युनिटी के कपल को आउट ऑफ इंडिया सेटल होना हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, या फिर लीगल कुछ करना पड़ता है? मैं आप बता रही हूँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हो ना, बेस्ट है, मतलब उससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि बाहर की जो गवर्नमेंट है ना वो LGBT कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है कुछ कुछ कंट्रीज में। वो आपको गूगल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बताने लगेंगे तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा। तो मतलब बहुत वहां के लिए इतनी सेफ प्लेस है ना LGBT वालों के लिए कुछ कंट्रीज में, मैं फिर बोलूँ कुछ कंट्रीज में, कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और चुटकियों में वीजा लगता है। अब अगर आप वहां पे ये चीज डिस्क्लोज करोगे कि आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो और ऐसे ऐसे है, तो आपको मतलब और जितना टाइम औरों को लगता है उससे कम टाइम में आपको वीजा मिलेगा, जल्दी वीजा मिल जाता है। एग्जैक्टली। और आप यू नो अच्छे से अपनी लाइफ वहां पे जी सकते हो खुल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लव फॉर यू? आप बताओ, आप बताओ, मैंने भी बताया कितना प्यार करती है, अब तू बता। जान क्वेश्चन दोनों के लिए। हाँ तो पहले तू बता दे फिर क्या होगा। नहीं पहले तू बता, देखे मैं चुरा के बताएगी फिर ये। तो प्यार मेरे लिए ही था, मतलब मैं किस दिन फ्री रहूंगी ना तो आपको पूरी कहानी बताऊंगी अपनी जिंदगी की, मैंने क्या क्या कांड किए हैं, ठीक है, क्या क्या हुआ, फिर ये कर्म मैंने क्यों, मतलब कर्म मेरा बिलीव इतना क्यों आया, सारी चीजें। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब तक आपको ये ना लगे ना कि सामने वाले, देखो सबसे पहले तो हमेशा ये चीज आनी चाहिए कि हमेशा उस बंदे से प्यार होना चाहिए जो तुमसे करे, जिसे तुम करो उससे नहीं, जिस जो तुमसे प्यार करे। मतलब मैंने ये चीज नोटिस किया, अगर तुम किसी बंदे के पीछे भागते रहोगे ना कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा। जो सामने से आएगा ना वही तुम्हारा हमेशा एंड तक साथ देगा। और ये चीज हमारे बीच थी, है ना, ये हमें पीछे आती थी। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसके लिए वो चीज होगी कि भागते रहे भागते रहे, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। नहीं नहीं, अब आप इसका आंसर दो ना फिर। अब मेरे को तो उससे प्यार करना चाहिए जो मुझे प्यार करे, तो मैंने तो ऐसा नहीं किया, आप तो मुझे नहीं करते थे। लेकिन इसमें एक चीज होती है ना कि अगर मान लो कोई सामने वाला बंदा भाग रहा है तुम्हारे पीछे, तो वो भी कितने टाइम तक भागेगा यार, ये थोड़ी है कि साल दो साल भागते ही रहेगा, उसका भी तो एक वहां पे जाके खत्म हो जाएगा ना कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो अगर उस टाइम पीरियड के बीच में दूसरे वाले बंदे ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, ये तो ये चीज है। तो मतलब मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए प्यार क्या है, क्वेश्चन ये। हाँ मैं वही बता रही हूँ, प्यार क्या है। प्यार मेरे लिए ये है कि अगर सामने वाले बंदे में तुम्हें ये चीज नजर आ रही है कि ये मेरे साथ जिंदगी भर टिक सकता है, ठीक है, तो वो ही तुम्हारे साथ जिंदगी भर टिक सकता है, वो ही तुम्हारे लिए प्यार है। अब मैं इसको नहीं बोलूँ प्यार दोस्ती है, प्यार ये है, प्यार वो है, वो सब किताबी बातें हैं, वो कुछ नहीं है। जब सामने वाले बंदे में तुम्हें पोटेंशियल दिखे ना कि हाँ ये बंदा कर सकता है मेरे लिए जिंदगी भर के लिए, वो प्यार है। क्या बात है आलिया। वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। अब तू बोल चल। मेरे लिए प्यार क्या है? तू बोल दे, मेरे लिए प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो वो मुझसे प्यार भी नहीं कर सकती, ऐसे बोल दे। मूवी का डायलॉग है, कुछ कुछ होता है। मैं मूवी का डायलॉग क्यों बोलूंगी जान, और चल बोल। मेरे को बोलने नहीं देना चाहती, अभी कहेगी बाबू तेरे बोलने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी भाई कितने 26 मिनट का वीडियो होता है बाबू। गाइस जो मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि मेरे लिए मेरे सारे रिश्ते ऐसे इंसान से हैं। उसने ना नॉर्मली क्वेश्चन पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि आप दोनों के लिए प्यार क्या है। उसने पूछा कि आपके लिए प्यार का मतलब क्या है। दोबारा कर लो क्वेश्चन।
दोबारा पढ़ लो। हाँ ठीक है, उसने यही पूछा था। तो मेरे लिए प्यार है ये, क्योंकि ये मेरे को हर चीज़ के लिए समझता है, हर चीज़ के लिए मेरे को जानता है। मैं इसे लड़ भी सकती हूँ, मैं इसे प्यार भी कर सकती हूँ, मैं इसे घर छोड़ने की धमकी भी दे सकती हूँ, हालांकि मैं जाती नहीं हूँ घर छोड़ के, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। मैं इसको अपना बेटा भी बोल सकती हूँ। चलो तो यही प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 डेज के बाद आप जहाँ जाओगे तो आप दोनों में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? हम दोनों में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जगह नई दिखेगी, आपको घर नया दिखेगा, आपको शहर नया दिखेगा, और आपको ब्लॉगिंग में कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे जो कि अच्छे होंगे। हाँ। आप लोग ज्यादा इंजॉय करोगे हमारा ब्लॉग, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। हालांकि मैं तो पता ही है, मैं तो मेन कंटेंट हूँ, बाकी के चीजें यू नो सपोर्टिव कंटेंट आपको दिखेगा। ऐसा कोई सीक्रेट जो अभी तक आप दोनों ने शेयर नहीं करा, दोनों का सीक्रेट हो, तो ऐसा मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से तो कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं है जो हम दोनों ने एक दूसरे शेयर ना किया हो। तूने किया? मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम दोनों की तरफ से ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, हम खुली किताब की तरह एक दूसरे की। यस, आपकी फर्स्ट पिक एक साथ, तो ये देख लो, ये वाली हमारी फर्स्ट पिक है। हम दोनों ने हरिद्वार में जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमने ये ली थी, और ये हमारी फेवरेट भी है। यशुदी ने आपके लिए करवा चौथ रखा है पायल। हाँ जी, करवा चौथ रखा हुआ है, और करवा चौथ की पिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वाली करवा चौथ की हमारी फर्स्ट पिक है। आप दोनों में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? ये ठीक है। क्या करने का रहता है अगर ब्लॉगिंग नहीं ना चली तो? क्योंकि सुकून के लिए प्यार चाहिए और जिंदगी जीने के लिए पैसा। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। तो अगर ब्लॉगिंग नहीं चली तो गाइज मैं बता दूं, जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे मेरा बिजनेस होगा, ऑलरेडी एक है जो चल रहा है। अब तो पता चली जाएगा लोगों को। कोई बात नहीं, ऑलरेडी एक चल रहा है, सेकेंड में जाके उसको डालने वाली हूँ बिजनेस, और इसका तो जॉब चल ही रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें मतलब आएगी प्रॉब्लम, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि शहर बड़ा है, नया है, तो प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं, एक साल में हम लोग सारा साल है तो हम चीजें मैनेज कर लेंगे। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड टेंशन? देखो वैसे तो जब तक बंदा खुद नहीं निकलना चाहे नहीं निकल पाता, ठीक है। बाकी काफी लोगों ने हमें ये बोला है, मतलब हम लोग अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन काफी लोगों ने हमें ये बोला है कि यशस व्लॉग देखने से हमारा सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन दूर चली जाती है। अगर हम गुस्से में भी हैं तो वो भी मतलब सारा कुछ हम भूल जाते हैं आपकी रील्स देखने से। तो यार देखो यार, मस्त तरीके से यहाँ पे मैंने अपने नंबर बना लिए। नहीं मतलब सीरियसली देखो, ये इसका कोई तरीका नहीं होता, आप अपना माइंड कहीं और लगाओ, और सेकेंड थिंग, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आप नहीं निकल सकते। हाँ, सीधी सी बात है। What are your pronouns, ma'am? My pronouns are she and her. और इसका भी she and her. What inspired you to become a YouTuber? What is the best comment you have ever received? तो देखो comment तो हमारे सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे comments होते हैं, चाहे वो इंस्टा की रील हो, चाहे वो YouTube हो, YouTube की vlogging हो, कुछ भी हो, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे comments आते हैं, और कई होगी तो इतने बड़े बड़े, इतने प्यारे प्यारे comments होते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत motivated हो जाते हैं देख के। और इनका सेंगे था, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम ए यूट्यूबर? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मतलब मेरा शुरू से ही काफी इंटरेस्ट रहा है इन सब चीजों में, तो अभी मैंने ना नया नया स्टार्ट किया था देखना, सौरभ जोशी व्लॉग्स, जो आपको पता ही है काफी मतलब यूट्यूब उसका इंडिया के फर्स्ट व्लॉगर हैं वो, फर्स्ट नंबर पे, तो उनके मैंने काफी मतलब स्टार्ट किए थे देखना, और फिर आप लोगों ने भी बोला कि व्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो मेरे अंदर ऐसे जुनून सा आ गया, जोश सा आ गया कि नहीं अब करना चाहिए स्टार्ट, तो फिर हमने स्टार्ट कर दी। सिंपल, इफ यू कुड चेंज वन थिंग दैट हैपेंड व्हाट वुड इट बी? यार एक नहीं है, बहुत सारी है, क्या करेगा बंदा, लेकिन वो नहीं हो सकती ना चेंज, तो क्या बोले इस पे, क्योंकि मैं हवाओं में बातें नहीं करती, जो चीज हम नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। इनको प्रैक्टिकली चीजों में बोलना ज्यादा पसंद है, प्रैक्टिकली वो चीज, अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं कर सकती और तो ऐसा हो जाए, रेप्स बंद हो जाए, क्रुएल्टी बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो भैया इंडिया है, ये कितना ही हाथ पैर मार लो तुम नहीं हो पाएगा। आर यू टॉमबॉय और ट्रांसमैन? एंड आप दोनों की मैरिज हो चुकी है? मैरिज नहीं हुई है हम दोनों की, और मैं टॉमबॉय हूँ, ट्रांसमैन नहीं हूँ। और ट्रांसमैन क्या होता है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो गाइज सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। बात भी नहीं, मेरे को कम कम बोलने दिया आज। ओ मैं तो भूल गई, तूने तो बोला ही नहीं, बोली बोले मैं बेटा, बोल तू तू खत्म कर दे ब्लॉग, ठीक है? अब क्या करे, खत्म, अब तो तू ही खत्म करेगा। सॉरी गाइज, आज मैंने इसको बोलने नहीं दिया, कोई बात नहीं, तू बोल।
बोल 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 ठीक है, कभी कभी तू बोल लिया कर चल। अभी तू बोल सकती, तेरे मन में कोई बात हो तो तू वो बोल सकती, जरूरी नहीं है क्यों एंड है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, तू मन में है जो तेरे को बोल। गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल हमारे व्लॉग्स पे व्यूज कम आ रहे हैं, उसका उसका मतलब किसी उससे नहीं है, मतलब आप लोगों से नहीं है कि आप लोग हमें प्यार नहीं दे रहे हो। हाँ, वो यूट्यूब का फॉल्ट है क्योंकि सब्सक्राइबर जो है हमारे बढ़ रहे हैं। आपने देखा अभी 16 के हुए रिसेंटली, तो वो हम लोग चेक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, पहले से ज्यादा जल्दी से बढ़ रहे हैं, बट व्यूज कम आ रहे हैं। वो यूट्यूब का फॉल्ट है क्योंकि वो हमारी वीडियो को आगे शायद फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा, भेज ही नहीं रहा, पेजेस पे शो ही नहीं कर रहा है, वो शायद एक रीजन है। कई लोगों के मेरे पास है ना ये भी मैसेज आते हैं कि आपके आपके वीडियो का नोटिफिकेशन ही मुझे शाम को आया। हाँ, सुबह अपलोड किए वीडियो हमारे, हम किसके साथ थे, कीर्ति के साथ थे ना, तब शायद दो दो तीन तीन घंटे के बाद नोटिफिकेशन शो हो रहा था। तो ये भी एक रीजन है क्योंकि एट अ टाइम आपको नोटिफिकेशन ही शो नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब बेल आइकन प्रेस करने का तो फायदा ही कुछ नहीं हुआ ना, तब तक आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा, आप जाके उसको क्लिक करके नहीं देख पाओगे। और आज के टाइम में सब लोग इतने बिजी हैं यार अपनी लाइफ में, काम में, हर चीज में, कि उनको इतना याद नहीं रहता कि मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, मतलब यार कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता। अभी मतलब हमें ये पता है कि जितने भी व्यूज और जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, वो लोग वो हैं जो सच में उनको वेट रहता है 10 बजे का, सीरियसली कि व्लॉग आएगा। मतलब ये हाल है कि अगर जैसे व्लॉग हमारा 10 बजे नहीं आएगा, 10:01 भी हो जाते हैं ना, उसके बाद डीएम्स आने शुरू हो जाते हैं, आपका व्लॉग नहीं आया, आपका व्लॉग कब आएगा। और हर रात हमारे पास डीएम्स आते हैं लाइव के लिए कि आप लाइव आओगे, आज आप लाइव आओगे, मतलब इतना ज्यादा है। स्पेशली हम लोग लाइव आते हैं, लाइव के लिए हमारी स्टोरी बहुत ही कम मेंशन होती है, मतलब 100 में से मैं बोलूँ कि 1% हम लोग स्टोरी डालते हैं कि हम लाइव आ रहे हैं, बाकी का 99% हम कभी स्टोरी मेंशन नहीं करते। उसके बावजूद भी हमारी लाइव में इतने सारे लोग होते हैं हमेशा, मतलब आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि अभी इस टाइम में हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और हम बिल्कुल वीक नहीं पढ़ना चाहते, और मैं भी नहीं चाहती कि आप लोग हमें वीक पढ़ने दो, एंड आई होप कि आप हमें कभी वीक नहीं पढ़ने दोगे, हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे। मैं फिर रुक के फिर बोलूं, फ्लो तोड़ता ना मेरा, अब मैं नहीं बोलूंगी। बाबू भोगना से आवाज नहीं, क्या फायदा उसका। सॉरी गाइस, हमने बीच में सेंटर ब्रश खा ली, बिल्ली पहले लियो भागना था, फिर बिल्लू भागने लगा, फिर चिकी भागने लगी। ओके, तो मैं बस ये बोल रही थी आप लोगों से कि आप लोग ऐसे ही हमें प्यार करते रहो, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, इस टाइम में हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, प्लीज़ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे मैं जानती हूँ कि आप लोग हमें बहुत प्यार करते हो, उसके लिए प्लीज़ वाली कोई चीज़ आनी ही नहीं चाहिए, चिपकाएगी मेरे यहाँ पे। आगे क्या बोलना था मुझे। तो गाइज आई होप आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे नए हो तो हाय आ की करता मैं, वीडियो को लाइक कर देना, सॉरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। Oh, darling, if I